किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माँ बाप से और ज्यादा प्यार करो, क्योंकि हम तो बड़े हो रहे हैं लेकिन वो बूढ़े हो रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक महिला की कहानी सुनाता हूँ जिसकी नई नई शादी हुई थी, अरेंज्ड मैरिज थी, वो अपने पति से ज्यादा मिली नहीं थी। जो सुहाग रात थी, उस रात में पति उसके लिए बढ़िया भोजन बना करके एक अच्छी थाली लेकर के सजा करके आया बेडरूम में, और इस महिला ने कहा कि पहले मम्मी जी को, सासू माँ को तो भोजन करा दो। उस आदमी ने कहा कि अरे छोड़ो ना, बीमा ऐसी है, बेकार है, छोड़ो, तुम खाना खाओ, तुम्हारे लिए ला रहे हैं, ऐसी फालतू की बातें मत करो, वैसे ही बीमार है, छोड़ो, तुम खाना खाओ। इस महिला ने फिर कहा कि नहीं, आप माँ को खिला दीजिए खाना, मैं खा लूंगी बाद में। वो आदमी जिद पड़ गया, नहीं तुम खाओ, वो तो ऐसी। इस महिला को बहुत बुरा लगा, अचानक से इसने अपना बैग उठाया और चल दी, पहुंच गई अपने घर और थोड़े दिनों में तलाक के पेपर भेज दिए, तलाक ले लिया इस आदमी से। थोड़े दिनों बाद उस महिला ने दूसरी शादी कर ली, इस आदमी ने भी दूसरी शादी कर ली, दोनों की अपनी अपनी फैमिली बस गई। उम्र बीतती जा रही थी, जब वो महिला तकरीबन 65 के आसपास होगी, उसके दो बच्चे थे, उसने बच्चों से कहा कि बच्चों मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहती हूँ, आप मेरे लिए टिकट विकेट करवा दो। तो बच्चों ने कहा माँ ऐसा नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, हम भी घूमेंगे। तो वो बच्चे अपनी माँ को लेकर के पूरा परिवार जो था तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। तो एक जगह रुके वो दिन में भोजन करने के लिए, भोजन कर रहे थे तभी इनकी नज़र पड़ी एक फटे हाल कपड़े में आदमी बैठा हुआ था, पागल सा दिख रहा था, हाल उसके बेहाल थे, ऐसा लग रहा था कई दिनों से नहाया नहीं है। तो ये जो महिला थी, इसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ जाकर के उसे नहला दो और अच्छा भोजन करवा दो, बहुत परेशान लग रहा है। बच्चों ने कहा ठीक है। नहला करके तैयार करके जब लाए उस व्यक्ति को वापस भोजन कराने के लिए, तो ये महिला चौंक गई, क्योंकि आदमी वही था जो इसका पहला पति था, जिसे ये पहली ही रात में उसी दिन छोड़ करके आ गई थी, चलो मुझे रहना नहीं है। तो दौड़ करके पहुंची और पूछने लगी कि तुम्हारा हाल कैसे हो गया। उस आदमी ने कहा कि मेरे बच्चों ने मेरा हाल कर दिया है, मुझे एक रुपया नहीं दिया, मुझे घर से बाहर कर दिया, भगा दिया है, सड़क सड़क भटक रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ मिलता है तो खा लेता हूं, बहुत बुरी हालत है। इस महिला ने बोला कि तुमने आज तक नहीं पूछा, लेकिन आज तुम्हें बताती हूं कि मैंने तलाक क्यों लिया था, उसी रात में वापस क्यों आ गई थी, क्योंकि उस रात में तुम मुझे पहले भोजन कराना चाहते थे, अपनी मां को जो इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रही है उसको तुम इज्जत नहीं दे रहे थे। जब तुमने अपनी मां की इज्जत नहीं की तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे। ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनसे कहा था कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, अकेले जाना है, कह रहे नहीं, जिद कर ली कि साथ चलेंगे, आपको परेशानी नहीं आने देंगे। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, बच्चे भी उसकी इज्जत करते हैं, दुनिया भी उसकी इज्जत करती है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो गई। छोटी सी कहानी, सार वही है कि हम बड़े हो रहे हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। उनकी फिक्र कीजिए, उनकी कद्र कीजिए, उनका आशीर्वाद दुनिया में आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।